लेट्स टू क्वेश्चन नंबर इलेवंथ ऑफ एक्सरसाइज 3C सी दैट इज लीन एक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर इलेवंथ इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप वेरिएबल्स देख के डरिएगा नहीं ये बहुत ईजी होते हैं चलिए सॉल्व करके बताते हैं कैसे होते हैं कैसे सॉल्व होगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ए अपॉन b माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल्स टू ए प्लस बी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है हमारी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू टू ए बी राइट ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये एग्जाम 2007 में भी आया हुआ है सी बी एस में तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है तो हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल इस टाइप की इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम एल सी एम लेंगे तो ये आ गया ए बी एल सी एम आ गया अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ गई ए इंटू ए एक्स माइनस बी इंटू बी वाई राइट इक्वल्स टू ए प्लस बी तो ये आ गया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी अब ये उधर चला गया मल्टीप्लाई में तो ये आ गया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी तो ये आया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर राइट इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और इधर ले आते हैं तो ये आया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर राइट ये इसको मैंने माइनस का रख लिया और इक्वल्स टू जीरो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन अब फोर्थ इक्वेशन को भी टू ए बी को लेफ्ट एंड साइड ले आएंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन राइट अब हम इसमें से ए वन और बी वन जो निकालते थे वो निकाल लेंगे हमारे वेरिएबल आए एक्स वाई एंड वन राइट अब मैं ए वन बी वन बी टू नहीं लिख रही हूँ बी बी वन है माइनस बी स्क्वायर और बी टू है माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी राइट माइनस बी था राइट right? तो हम इसको यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्योंकि यहाँ पे भी बी वन बी टू आता है ए वन ए टू देखिए ए स्क्वायर एंड ए तो हमने लिख दिया तो हमने लिख दिया ए की जगह ए स्क्वायर एंड ए राइट और सी वन सी टू की जगह देखिए क्या है सी वन है हमारा माइनस बाहर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी तो या माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और ये माइनस का टू ए बी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यही था राइट right? अब देखिए अब हम कैसे निकालेंगे एक्स अपॉन माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस टू ए बी माइनस का टू ए बी अब माइनस ये वाला माइनस ये भी माइनस है तो माइनस बी इंटू माइनस अब देखिए इन दोनों के अभी तक ब्रैकेट नहीं खुले हुए थे तो अब जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगी खोल के लिखूंगी तो इन दोनों के पॉजिटिव साइन थे ब्रैकेट के अंदर अब क्या हो जाएंगे नेगेटिव साइन तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि अभी तक इसके ब्रैकेट नहीं खुला हुआ था पॉजिटिव साइन थे अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस का साइन हो गया राइट इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस का माइनस का टू ए बी इंटू ए स्क्वायर राइट ये आ right? गया इक्वल्स टू वन अपॉन यहां लिख रही हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा है ए स्क्वायर इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर राइट अब इसको ओपन कर लेते हैं सारे ब्रैकेट्स एक्स अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यह आ गया टू ए बी क्यूब तो टू ए बी क्यूब अब यहाँ देखिए ये क्या है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मैं इसको माइनस माइनस प्लस कर लेती हूँ पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर में इक्वल्स टू वाई अपॉन ये भी देखिए माइनस का ए क्यूब बी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन माइनस माइनस प्लस टू ए क्यूब बी ईक्वल्स टू वन अपॉन सिर्फ ब्रैकेट्स खोल रही हूँ ये ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर तो ये कितना आ गया एक्स अपॉन टू ए बी क्यूब प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी क्यूब राइट इक्वल्स टू वाई अपॉन अगर आप देखेंगे ये ए बी ए क्यू बी है ये भी ए क्यू बी है और ऑपोजिट साइन है तो सब हो जाएगा और साइन बड़े एक वाले का लग जाएगा तो ये आया माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अब इस इधर देखेंगे आप एक्स के नीचे तो टू ए बी क्यूब है ये ए बी क्यूब है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आया हमारा एक्स अपॉन ए बी क्यूब कैसे मैंने अभी बताया आपको सब्ट्रैक्ट हो गई है और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन देखिए क्या आएगा एक एक स्टेप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन के नीचे क्या आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अब और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है अब अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं इस एक्स को तो यहीं रहने दे रही हूँ इस वैल्यू को इधर लेके जा रही हूँ राइट तो यह आया एक्स इक्वल्स टू ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अब इसमें क्या है अब सबसे इजी तरीका है ऊपर से कॉमन ले लीजिए अब ए बी के बी ए बी कॉमन है और नीचे भी ए बी ए बी कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया ए बी ऊपर से तो क्या बचा एक ए और बी कॉमन निकल गया तो बी का स्क्वायर बचा और यहाँ से एक ए बी कॉमन निकल गया तो ए बी बचा राइट इसी तरीके से नीचे से भी ए बी कॉमन निकल गया तो क्या बचा एक बी बचा और एक ए बी कॉमन निकल गया तो एक ए बच गया अब ए बी ए बी कैंसिल हो गए अब ये क्या लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए अब आप देखेंगे इसमें से बी और कॉमन निकल रहा है तो हमने फिर से बी कॉमन निकाला तो क्या बचा बी माइनस ए नीचे तो बी माइनस ए था ही तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया एक्स बी के इक्वल आ गया अब इसी तरीके से वाई देखते हैं वाई अपॉन ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट के इक्वल रख दिया ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अब जैसे एक्स में वाई एक्स एक तरफ रखा था और ये वैल्यू इधर ले गई थी तो इसी तरीके से ये वैल्यू इधर लेके जा रही हूँ तो ये आया ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अगर आप देखें इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और एक बी कॉमन निकल रहा है इसी तरीके से यहाँ पे ए कॉमन निकल रहा है और एक बी ए बी ए बी निकालते हैं सबसे पहले कॉमन ए बी निकाला ऊपर से तो ये निकला ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन निकाला तो ए बी आ गया अपॉन नीचे से भी ए बी कॉमन निकाला तो ये आया बी माइनस ए राइट ए बी ए बी कट गया अब ये आया ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर से ए भी कॉमन निकल रहा है लेकिन अगर मैं ए कॉमन निकालती हूँ तो यह आया ए माइनस बी और नीचे है बी माइनस ए तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को बी माइनस ए करना है तो बी पॉजिटिव का करना है अगर ये माइनस कॉमन दे दूँगी बाहर तो बी पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने किया इसको माइनस का ए कॉमन लिख लिया तो बी माइनस ए हो गया अपॉन बी माइनस ए था ही फिर से बता रही हूँ कि जब भी हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है देखिए यहाँ ए प्लस का था तो माइनस का हो गया और जो बी माइनस का था वो प्लस का हो गया राइट तो अब ये दोनों सेम बनाने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए तो हम हमें पता चल गया कि x है b और y है माइनस ए आंसर